देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ये मामला है गोड्डा जिला महागामा अनुमंडल क्षेत्र के विश्वास खानी गांव का, जहां की उप स्वास्थ्य केंद्र में आज महागामा रेफरल अस्पताल के प्रभारी ने जांच की और बताते चले कि विश्वास खानी उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम करुणा कुमारी के विरुद्ध विश्वास खानी ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि एएनएम करुणा कुमारी उप स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी करते हैं, ना ही ड्राइवरी करवाते हैं, ना ही सही ढंग से दवाई वितरण किया जाता है। बता दें कि एएनएम करुणा कुमारी पिछले 11 साल से विश्वास खानी उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में दो पंचायतों के लगभग 5,000 की आबादी का इलाज किया जाता है। यहां तो ग्रामीणों के लिए यह उप स्वास्थ्य केंद्र एक संजीवनी की तरह है, लेकिन एएनएम के द्वारा मनमर्जी की जाती है। इनको यहां से ट्रांसफर करा दिया जाए ताकि उप स्वास्थ्य केंद्र को सही तरीके से चलाया जा सके। देखिए विश्वास खानी गोड्डा झारखंड से विपिन कुमार मंडल की रिपोर्ट। आपके ऊपर एप्लीकेशन बार बार लग रहा है मैडम, आप सही से प्रसव नहीं करा रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण यही था, पहले प्लेसेंडा पीट यहाँ नहीं था जी। प्लेसेंडा पीट का कंप्लेंट हुआ तो उसमें अभी जनवरी से प्लेसेंडा पीट बना है, फरवरी में अभी दिसंबर में मेरा लेटर चल रहा है कि यहाँ खाली कीजिए, इसलिए हम यहाँ खाली कर दिए हैं। जब हम एनएम रहे नहीं करते प्रसव कौन कराएगा? अभी आपका रहना कहाँ होता है? अभी हम डेरा लेके रह रहे हैं नरोत्तमपुर में। यहाँ रहने से आपको क्या परेशानी होता है? यहाँ परेशानी यही है कि बार बार बोल रहा है कि खाली कीजिए, घर बसा लिया, जब जहाँ रहेंगे सर तो वहाँ तो मेरा ड्यूटी करने का है, हम पूरा परिवार लेके रहेंगे। आपको खाली करने का आदेश क्या देता है? यहाँ से गाँव का ग्रामीण दिया है कि यहाँ घर बसा के रखे हैं, प्रसव कराते थे तो उस समय कहाँ का नियम है कि हम डिलीवरी को खाना दीजिए या पानी दीजिए, गर्म पानी दीजिए, कहीं है नहीं? वो भी दिए थे हम, लेकिन अब नहीं है, वो संभव नहीं है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्या एप्लीकेशन में आपको आपके ऊपर एप्लीकेशन लगाया गया है कि आप दवाई भी चोरी चुप के बेच दिया करते हैं, क्या सही है? उसका प्रूफ चाहिए हमको। जिस तरह करुणा बेच रहे हैं एनएम का लग रहा आरोप, उसी तरह जो जांच में दिया है फर्स्ट मुदालय में जिसका सिग्नेचर है मुखिया जी का, प्रतिनिधि का, उसी तरह वही उसी से हम गवाह चाहते हैं, हम दूसरे का गवाह नहीं देते। आपका अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम करुणा देवी है ना, एचएससी विश्वास खानी का दस्तावेज। आज विश्वास खानी में निरीक्षण के लिए आया सर उप स्वास्थ्य केंद्र, क्या क्या आपको देखने को मिला? आज हम यहाँ विश्वास खाने में निरीक्षण के लिए नहीं, एक जांच के संबंध में आए थे जी। करुणा देवी पर लगे गए आरोपों के जांच के संबंध में आए थे। तो ये एप्लीकेशन कब दिया गया था सर, कब का ये एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन कुछ दिन पहले दिया गया है, लेकिन एक बार और देखे थे सर कि यहाँ निरीक्षण में आए थे। वो पुराना एप्लीकेशन था, ये नया एप्लीकेशन है। लेकिन आपकी तरफ से क्या मतलब कि क्या प्रक्रिया हो रहा है सर? अभी अभी जो है इसके जो लोग मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेशन दिए थे, उन लोगों को बुला करके उन लोगों का लिखित स्टेटमेंट लिया जा रहा है और इसको जो है हम सिविल सर्जन साहब के पास भेज देंगे, उसका सिविल सर्जन साहब जो मतलब क्या कहते हैं इस पर कार्रवाई होगी वो करें। जैसे कि ग्रामीण भी बता रहे हैं सर कि यहाँ पे सबसे पहले तो सर ये सिरूर इलाका है, उसके बावजूद एक उप स्वास्थ्य केंद्र है सर, लेकिन यहाँ प्रसव नहीं कराया जाता है, एनएम के द्वारा मनमानी किया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? एएनएम के द्वारा मनमानी किया जाता है, प्रसव नहीं कराया जाता, इसकी बात तो यहाँ पर पता चली जी। और मनमानी किया जाता है उसी के समक्ष में मतलब क्या कहते हैं हमने लोगों का लिखित स्टेटमेंट लिया है जी। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं अपने सिविल सर्जन के समक्ष भेज देंगे और बाकी हमको तो और किसी तरह का कोई कंप्लेंट मिला नहीं है जिस पर अभी कोई किसी तरह के वक्तव्य हम देने में सक्षम नहीं है। एक क्वेश्चन और सर, एक अधिकारी कितने दिन तक लगभग एक जगह पे रह सकता है सर, कितने दिन उसके बाद ट्रांसफर हो सकता है या कितने दिन तक रह सकता है सर? एक अधिकारी नहीं, जो जैसे एएनएम है यहाँ पे लगभग 11 साल से एक एएनएम, बहुत सारे एएनएम जो है जी। वो तो ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहीं से रिटायर भी हुए। अच्छा, मतलब ये प्रक्रिया मतलब है नियम ये नहीं सर, जहाँ से पोस्टिंग होती है वहीं से लोग रिटायर भी होते हैं, अगर उन पर कोई आरोप होता है तो बीच में मतलब क्या कहते हैं उनको चेंज भी किया जाता है। हमेशा नियमावली बदलते रहती है, जिस तरह की नियमावली आती है उसके हिसाब से काम होता है। आरोप तो देख रहे हैं सर बकायद कई महीने से लग रहा है, लेकिन बार बार जांच हो रहा है लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए तो इस बार जाँच जो है सिविल सर्जन ऑफिस में दिया गया था तो वहाँ से कागज आया है तो उसको मतलब क्या कहते हैं हम ऊपर में भेज देंगे सिविल सर्जन ऑफिस में, फिर जो डिसीजन होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महागामा। धन्यवाद सर। आज महागामा विश्वास खानी उप स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए आए हैं महागामा से, आपको पता है इसके विषय में?
या फिर दूसरा लड़ना चाहिए, मतलब इसको हटा देना चाहिए, मतलब ट्रांसफर कर देना चाहिए। अच्छा ये अच्छा जैसे ये कह रहा है कि यहाँ प्रसव नहीं होता है, क्या ये सही है कि गलत है? यहाँ प्रसव नहीं कराया जाता है। आप आपका नाम? दुलारी कुमारी। उप मुखिया? उप मुखिया।